Assalamualaikum एवरी वन हाउ आर यू वेलकम टू ईज इंग्लिश आज हम क्या स्टडी करेंगे आज हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से प्रपोजिशन का पार्ट नंबर थ्री पार्ट नंबर थ्री वैसे ही मैंने खुद ही पार्ट बना दी पार्ट्स बना दिए हैं क्योंकि प्रपोजिशन uh, की एक लंबी तादाद है और इन प्रपोजिशन अब एक ही लेक्चर में सब समझाऊँ तो बहुत ही लंबी लंबी ऑडियो वीडियो हो जाएगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं बात होगी तो इसलिए मैंने सोचा कि Uh, हम क्या करें हम पार्ट्स में समझाएंगे ऑफ कोर्स और क्या करेंगे सो so, अब uh, जो अगला प्रपोजिशन है हमारे पास वो है विद विद मतलब होता है साथ किसी के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल विद माई फादर यानी अबू के साथ विद माई मदर अम्मी के साथ ठीक है विद माई फ्रेंड अपनी फ्रेंड के साथ इस तरह तो विद यूज़ होता है टू गेट ए कम्प्लेंट बाई सम्बरी मतलब ही गोज़ टू स्कूल विद हिज मदर वो अपनी अम्मी के साथ स्कूल जाता है आई विल ऑलवेज़ बी विद यू इन योर बैड और गुड टाइम्स यानी मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा या रहूँगी आपके अच्छे और बुरे वक्त में ये एक डायलॉग है मूवी का तो मैंने सोचा कि इसमें भी विद यूज़ हो रहा है तो आ, हम इसमें भी यूज़ कर लेते हैं वेल well, <laughs> ये असल में भी वैसे डायलॉग ही है ये, ये किसी मूवी का नहीं असल में भी डायलॉग ही है वक्त अच्छा बुरा वक्त जब आता है तो असल रंग भी सबका सामने आता है ओके सो नेक्स्ट है फ्रॉम फ्रॉम हम अक्सर यूज़ करते हैं इसका वैसे उर्दू में मतलब होता है से यानी कि फ्रॉम से यानी कि मैं फ्रॉम मतलब से यानी कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान ही फ्राम अमेरिका लाइक दिस सो हम कहाँ कहाँ पर फ्राम यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहले है टू इंडिकेट औरजिन और सोर्स जब हम औरिजिन की बात करते हैं यानी वो कहाँ से जो ईजाद है किसी चीज़ की उसका औरजन या कहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत हुई थी Uh, तो हम क्या कहेंगे फ्राम यूज़ करते फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ फ्राम वेस्ट इंडिया माई ग्रैंड फ़ादर वॉज़ फ्राम इरान इसी तरह टू इंडिकेट टाइम स्पेन ठीक है चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं ठीक है टाइम स्पेन uh, को इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं फ्रॉम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल माय क्लास इज़ फ्रॉम थ्री टू फोर पीएम मेरी क्लास तीन बजे से चार बजे तक है फ्रॉम थ्री मतलब तीन बजे से टू फोर पी एम चार बजे तक ठीक है समर सीज़न इज़ फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर यानी गर्मियों का मौसम अप्रैल से अक्टूबर तक होता है ठीक है इसी तरह अगर हम पास के टाइम स्पेन की बात करें तब भी हम फ्रॉम यूज़ करते हैं से के लिए यानी वर्ल्ड वॉर टू वॉज फ्राम नाइनटीन थर्टी एट टू नाइनटीन फोटी फाइव वर्ल्ड वॉर टू नाइनटीन थर्टी एट से शुरू हुई थी नाइनटीन थर्टी एट से शुरू हुई थी और नाइनटीन फोटी फाइव तक जारी रही थी तो यहाँ पर भी हमने इसलिए फॉर्म का यूज़ किया अच्छा ये ना बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है अब जो प्रपोजिशन हैं जिनकी डिटेल होगी वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे और जिनकी डिटेल नहीं होगी वो हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे सो टू टॉक अबाउट डिस्टेंस जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल द मून इज़ यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड ट फाइव लैख एटी फाइव थाउजेंड मीटर्स अवे फ्राम द अर्थ यानी चांद जमीन से पाँच लाख पचासी हज़ार मीटर्स दूर है हाउ फारीज़ हाउस फ्राम असद हाउस अब ये क्वेश्चन है कि अली का घर असद के घर से कितना दूर है हमने यहाँ पर भी इसलिए से का यूज़ किया है अगर हम इस तरह पूछें कि आपका ऑफ़िस आपके घर से कितना दूर है हाउ फार इज़ योर ऑफिस फ्राम योर हाउस ठीक है इस तरह और टू तो डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट रूट ट्रांसपोर्ट रूट डिस्क्राइब करने के लिए भी हम फ्रॉम यूज़ करते हैं जैसे कि यू कैन कैच आ ट्रेन फ्रॉम कराची टू हैदराबाद यानी आप कराची से हैदराबाद के लिए ट्रेन ले सकते हैं अब ये कैच ये कैची कैची खेलने वाला नहीं है ये कैच पकड़ने वाला यानी कि टू गेट इन टू द ट्रेन राइट तो ये था फ्राम का यूज़ अब आते हैं अबाउट के यूज़ पर अबाउट का यूज़ क्या है टू टॉक अबाउट कनेक्शन विद समन और सम थिंग किसी भी इंसान चीज़ के साथ कनेक्शन की जब बात करें तो हम कहें उसके बारे में सही है अबाउट का मतलब होता है बारे में ये ऐसा क्यों हो रहा है मैंने तो अच्छा कुछ, कुछ सेटिंग का प्रॉब्लम हो रही है अच्छा ओके वी यूज़ अबाउट इन द फॉलोइंग वेज हम किन किन जगहों पे अबाउट यूज़ करते हैं वो है आई डोंट नो अबाउट क्रिकेट मैं क्रिकेट के बारे में नहीं जानती ठीक है शी लाइक्स टू सर्च इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस वो स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करना पसंद करती है ठीक है ये है अबाउट का यूज़ वैसे तो अबाउट का कुछ और यूज़ नहीं है इसका एक ही मतलब है डेट इज़ कॉल्ड बारे में एज आ प्रपोजिशन हाँ अगर स्ट्रक्चर्स की बात आएगी तो अबाउट से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे तो तब तक हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट प्रपोजिशन क्या है वॉट इज़ आर नेक्स्ट प्रपोजिशन आर नेक्स्ट प्रपोजिशन इज बाय ठीक है एक होते रहे बाय बाय टाटा ये वो वाला बाय नहीं बिल्कुल नहीं है अच्छा हम बाय कब यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब द मूड ऑफ द ट्रांसपोर्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ही गोज़ टू लाहौर बाय ट्रेन देखिए बाई ट्रेन बाई एरोप्लन बाय कार बाय बस ठीक है इन सब के साथ बाई बाय ट्रक ये सब इनके सब सबके साथ बाई यूज़ होता है इन इन ट्रांसपोर्ट के साथ जिनका मैंने अभी जिक्र किया और मूड्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए भी हम बाई यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़्ज़ाम्पल आई विल पे द बिल बाई क्रेडिट कार्ड ठीक है आई विल इन्फॉर्म यू बाई ई मेल बाई सेंडिंग यू ई मेल इस तरह क्रेडिट कार्ड के लिए ई के लिए इस सब इस सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बाय यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर थर्ड है फॉर फ्यूचर टाइम फ्यूचर के टाइम के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल शी विल कम बाय संडे वो संडे तक आएगी ठीक है वो संडे तक उसके आने के चांज चांसेस संडे तक के हैं दे विल देफॉर्म अस अबाउट मीटिंग बाय मंडे वो मंडे तक हमें मीटिंग के बारे में इंफॉर्म कर देंगे ठीक है सबमिट मी योर डॉक्यूमेंट्स बाय कमिंग थर्सडे यानी कमिंग थर्सडे कमिंग थर्सडे तक आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा दीजिए तो हम इस तरह भी यूज़ करते हैं टाइम के साथ भी वैसे ही यूज़ हो सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आई कॉल यू बाई टू पी एम यानी मैं आपको दो बजे तक कॉल करूँगी तो इसके लिए हम बाय यूज़ कर रहे हैं इसके अलावा बाय हम कहाँ यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटर ऑफ एनी थिंग यानी अगर कोई चीज़ जिसने बनाई है जो चीज़ हम जिससे मंसूब करें वो उसके लिए हम बाई यूज़ करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस पोइट्री इज़ बाय बाया मोहम्मद इकबाल ठीक है ये कोई भी हम पोइट्री बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल आती है दुआ बन की तमन्ना मेरी और भी बहुत सारी पोइटरीज़ हैं इकबाल की तो हम कोई से पोइट्री कह सकते हैं कोई भी नहीं जो अलामा इकबाल की हैं उन्हीं को हम कहेंगे this is अलामा हम दिस इज़ बाया इकबाल हम किसी सॉन्ग की बात कर सकते हैं हम किसी भी क्रिएशन की बात कर सकते हैं हम किसी पेंटिंग की बात कर सकते हैं तो उसके लिए हम बाय यूज़ करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस पोइट्री नॉट दिस पोइट्री दिस पोर्ट्रेट इज़ बाय माई फ्रेंड कुछ भी हम कह सकते हैं दिस सॉन्ग दिस सॉन्ग इज़ बाय मैडम नूरहा तो हम उसके लिए बाय यूज़ करते हैं और एक और हम बाय यूज़ करते हैं पैसे वॉइस के सेंटेंसेस में अब पैसे वॉइस कौन सी बला है जो हम टेंसेज पढ़ते हैं ना टेंसेज होते हैं एक्टिव वॉइस उसी तरह उनके होते हैं पैसे वॉइस तो पैसे वॉइस में भी हम क्या करते हैं बाय यूज़ करते हैं हम पैसे वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं वैसे ना ये नेसेसरीली नहीं होता हम नेसेसरीली इसको नहीं यूज़ करते ये नेसेसरी नहीं होता कि हम पैसे वॉइस के हर सेंटेंस में बाय यूज़ करें अब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है बस Uh, एक सेंटेंस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द मोबाइल वॉस बॉट द न्यू मोबाइल वॉस बॉट अब ये नहीं बताया किसने ख़रीदा बस ये बताया कि मोबाइल ख़रीदा गया तो उसमें हम बाय नहीं लगाएंगे यानी कि जिस जिस एक्टिव सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट होता है तो उसी के पैसिव सेंटेंस में हम बाय यूज़ करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल द स्पीच इज़ बींग डन बाय अली माई मोबाइल वॉज स्टोलन बाय एन पर्सन इसके लिए हम बाय यूज़ करेंगे अभी जो हमारे पास एक और पार्ट ऑफ स्पीच है डेट इज़ एट बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज पार्ट ऑफ स्पीच है एट फॉर एग्ज़ाम्पल टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे तो हम उस टाइम से पहले एट लगाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल रीच एट फाइव पी एम टू इन पार्टी यानी मैं पाँच बजे पार्टी में पहुँच जाऊँगी द बस विल स्टॉप हेयर एट फोर फिफ्टीन पी एम एग्जैक्ट टाइम की जब बात करें तो हम ऐट लगाते हैं ठीक है तो इंडिकेट एंड ई मेल एड्रेस ई मेल एड्रेस के लिए हम ऐट द रेट यूज़ करते हैं ना ठीक है एट द रेट यही वाला एट द रेट होता है फॉर एग्जाम्पल काइंडली ई मेल वी एट और हमने आगे ई मेल लिख दी ठीक है यानी मुझे इस ई मेल पर वो कर दीजिए ई मेल कर दीजिए या आप इन्फॉर्म कर दीजिए टू इंडिकेट एनी एक्टिविटी एक्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल एक्टिंग ड्रॉइंग सिंगिंग टीचिंग फॉर एग्जाम्पल शी इज़ वेरी गुड ऐट टीचिंग वो टीचिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है uh, अगर हम कहें कि इसको हम उस सेंस में कहते हैं कि वो परफेक्ट है तो अभी गलत नहीं होगा शी लव्ड एट माई एक्टिंग वो मेरी एक्टिंग पर हंसी आई एम गुड एट ड्रॉइंग मैं ड्रॉइंग में अच्छी हूँ जबकि बिल्कुल झूठ है मैं बिल्कुल भी ड्राइंग में अच्छी नहीं हूँ ठीक है इस तरह हम मैटूज करें फॉर एग्ज़ाम्पल माई ब्रदर इज़ माई ब्रदर इज़ गुड एट पेंटिंग वो पेंटिंग में बहुत अच्छी है अच्छा ख्याल रही हम इस तरह की किसी एक्टिविटी की बात करते हैं उससे पहले ऐट लगेगा इन नहीं लगेगा क्योंकि उर्दू में तो सेंस हमें ये सेंस आ रहा है कि इसमें शायद इन लग जाए क्योंकि इन पेंटिंग पेंटिंग में नो जब एक्टिविटी की बात आएगी तो आप उससे पहले ऐट यूज़ करेंगे ये यूज़ है ऐट का और ऐट का जो आगे यूज़ है टू तो इंडिकेट द्लेस जगह के लिए हम क्या यूज़ करेंगे ऐट जैसे दार्टी इज़ ऐट द क्लब हाउस पार्टी क्लब हाउस में है वी सो द फुटबॉल मैच एट द स्टेडियम हमने फुटबॉल मैच स्टेडियम में देखा सही है और बिफोर नाइट हमने पढ़ा था ना कि मॉर्निंग इवनिंग एंड आफ्टरनून इन सबसे पहले जो प्रेपोजिशन लगता है वो होता है इन लेकिन आ, नाइट से पहले लगता है एट आई कम बैक लेट एट नाइट सही है तो ये था हमारा आज का लेक्चर आज के लेक्चर में हमने कुछ प्रपोजन डिस्कस किया उनमें से था एट और उसके बाद था उसके बाद था नहीं उससे पहले था बाय बाय से पहले था अबाउट अबाउट से पहले था फ्रॉम और फ्रॉम से पहले था विद तो हमने आज ये सब डिस्कस किया है आई एम प्रटी श्योर डेट आपको ये वाले प्रपोजिशन समझ में आ गए होंगे इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन आई एम वेटिंग फॉर यू देयर थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़